लोगों ने टाइगर को हल्के में ले रखा है, लेकिन टाइगर के इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा इन टाइगर्स का होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम साइबेरियन टाइगर की बात करें तो यहाँ इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो एक बेंगोल टाइगर भैंसों पर हमला कर रहा है। आज की वीडियो में एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी जानवर साइबेरियन टाइगर, जिसे हर एक दूसरा जानवर खाना लगता है, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका के जंगलों में ये खतरनाक जंगली भैंसे हमेशा ऐसे ही खतरनाक शिकारी जानवरों पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। दोनों ही जानवर बहुत खतरनाक है। वेल, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर ये दोनों जानवर आमने सामने होते हैं, तो कौन सा जानवर किस जानवर की बैंड बजाएगा, क्यों बजाएगा, कैसे बजाएगा, जो भी है वो सब आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। इस वीडियो को मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है, तो प्लीज़ हो सके तो बुरे कमेंट ना करें और अच्छे कमेंट करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपके अच्छे कमेंट और वीडियो को लाइक करने से मुझे काफ़ी खुशी होती है और ये वीडियो दूसरे काफ़ी सारे लोगों के पास भी जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को आप फुल सपोर्ट करें। पूर्वी रूस और उत्तर पूर्वी चीन के कुछ लोगों का कहना है कि इन बर्फीले जंगलों में साइबेरियन टाइगर ने कई बार यहां के भालुओं का शिकार किया है। लोगों ने कई बार साइबेरियन टाइगर को भालू के शरीर को खाते देखा है। यहां तक कि एक इंसान का तो ये भी दावा है कि उसने एक मरे हुए भालू को देखा जिसके शरीर पर गहरे घाव थे, और वो ऐसे घाव थे जो सिर्फ एक टाइगर ही दे सकता है। बहुत से लोगों को ये बात बस एक तथ्य लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन इलाकों की लोग बात कर रहे हैं उन इलाकों में बहुत ही कम इंसान रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वीरान इलाके हैं, जहां पर ग्रे भेड़िए, भूरे भालू, तेंदुए और टाइगर रहते हैं। और जिन इलाकों में इतने खतरनाक शिकारी जानवर हो, वहां पर इन जानवरों पर रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसीलिए इन जंगलों में क्या होता है वो दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। साइबेरियन टाइगर ब्राउन बेयर या फिर पोलर बेयर को मार सकता है। ब्राउन बेयर और पोलर बेयर आखिर एक टाइगर से कैसे हार सकते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हो तो उसके वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसके बारे में जान सकते हो। जैसा कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस इलाके के सबसे खतरनाक शिकारी जानवर साइबेरियन टाइगर की। साइबेरियन टाइगर दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी जानवर है। लोगों ने टाइगर को हल्के में ले रखा है, लेकिन टाइगर के इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा इन टाइगर्स का होता है। टाइगर एक ऐसी जंगली बिल्ली है जो इतना खतरनाक हमला करती है कि सामने वाले की रूह तक डर जाती है। इस इलाके में इन विशालकाय जंगलों में सिर्फ 500 के आसपास ही साइबेरियन टाइगर बचे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में इनका इतना डर रहता है कि वो इन जंगलों में जाने से घबराते हैं। इनके इलाके में ग्रे भेड़िए, भालू और तेंदुए भी रहते हैं, लेकिन उनका डर लोगों को इतना नहीं होता जितना इन साइबेरियन टाइगर्स का होता है। वो इनके इलाके का टॉप शिकारी जानवर है। साइबेरियन टाइगर का कोई भी जानवर शिकार नहीं करता। लोगों को इस जानवर के बारे में बहुत कम पता है। साइबेरियन टाइगर बहुत ज़्यादा रेयर जानवर है, इसीलिए इंटरनेट पर आपको इनकी बहुत ही कम वीडियोस देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अफ्रीका के इन जंगली भैंसों की बात करें तो ये भी कोई कम नहीं है। इन्हें अफ्रीका के लोग काली मौत के नाम से भी जानते हैं। ये जंगली भैंसें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और गुस्सेल स्वभाव की होती है। गुस्सा आने पर ये किसी को नहीं देखते और बस कुचल के आगे बढ़ जाते हैं। और इन जंगली भैंसों के सबसे बड़े दुश्मन इन्हीं के जंगलों में रहने वाले अफ्रीकन शेर है। कोई अकेला पूरी तरह से जवान अफ्रीकन शेर एक जंगली भैंसे को मार तो सकता है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि ये जंगली भैंसे अक्सर झुंडों में रहते हैं और किसी एक जंगली भैंसे को ऐसे झुंड में से शिकार करना लगभग नामुमकिन है। शेर के पूरे झुंड को एक जंगली भैंसे का शिकार करने में बहुत वक्त लगता है। ऊपर से बहुत सारी चोटों का भी कभी कभी सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम साइबेरियन टाइगर की बात करें तो यहाँ इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हो एक बेंगोल टाइगर भैंसों पर हमला कर रहा है। हालांकि ये भैंसे जंगली नहीं है, लेकिन टाइगर भी तो बेंगोल टाइगर है। वो कौन सा साइबेरियन टाइगर है? इस वीडियो में हम बात साइबेरियन टाइगर की कर रहे हैं, ना कि बेंगोल टाइगर की। और जब एक बेंगोल टाइगर इतने भयानक तरीके से इन भैंसों का शिकार कर सकता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अफ्रीका के ये जंगली भैंसे साइबेरियन टाइगर के सामने टिक पाएंगे। साइबेरियन टाइगर को हर एक जानवर खाना दिखता है। वो एक चालाक और घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी जानवर है।
अगर एक मिनट के लिए भी वो किसी भैंसे को ज़मीन पर गिरा दे तो वो एक मिनट में उस भैंसे को इतने घाव दे देगा कि वो भैंसा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, बंगाल टाइगर ने जैसे ही उस भैंसे पर हमला किया तो उस भैंसे की दूसरी साथियों ने टाइगर पर फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन टाइगर उस भैंसे को छोड़कर उन्हीं भैंसों में से दूसरी भैंस पर हमला करने लग जाता है। इससे पता चलता है कि टाइगर कितने ज़्यादा खतरनाक और बहादुर होते हैं। वहीं कई बार टाइगर को इंडियन गोर का भी शिकार करते देखा गया है। इंडियन गोर भी एक भैंसे की प्रजाति है जो इंडिया में पाई जाती है। ये भी भारी भरकम भैंसे होते हैं। इनका शिकार करना भी कोई आम बात नहीं है, लेकिन बंगाल टाइगर उनका बड़ी आसानी से शिकार करते हैं। टाइगर का बाइट फोर्स 1050 PSI का होता है। जंगली सुअर, हिरण जैसे छोटे मोटे जानवरों को ये टाइगर एक झटके में मार देते हैं। किसी साइबेरियन टाइगर का वजन 300 किलोग्राम के आसपास होता है और इन अफ्रीका के जंगली भैंसों का वजन 900 किलो के आसपास होता है। हालांकि ये भैंसें वजन में ज़्यादा भारी है और इन भैंसों के पास बहुत ही खतरनाक सींग है, लेकिन दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर एक शिकारी जानवर है और उसके पास बहुत ताकतवर जबड़े और शायद दुनिया के सबसे तेज और ताकतवर पंजे हैं। ऐसा माना जाता है कि टाइगर अपने एक पंजे के वार से इंसान की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर सकते हैं। लड़ाई के दौरान टाइगर अपने दोनों पंजों का उपयोग करते हैं और वह घात लगाकर शिकार करते हैं। हिरण जैसे जानवर तो उनके पंजे की मार से ही मर जाते हैं, और अगर ये पंजा किसी भैंसे के शरीर पर लग जाए तो भैंसे को बहुत गहरी चोट का सामना करना पड़ेगा। आप ऐसा कभी भी मत सोचना कि टाइगर के जो ये पंजे हैं ये बस खरोंच देने के लिए है। दुनिया के सबसे तेज पंजों में टाइगर के पंजों को शामिल किया जाता है। इनके पंजे हिरण और जंगली सुअर जैसे जानवरों के शरीर को बड़ी आसानी से फाड़ देते हैं। साइबेरियन टाइगर को मैंने बहुत सारे जानवरों के साथ कंपेयर किया है और साइबेरियन टाइगर ने हर एक जानवर पर जीत पाई है। ये कोई इत्तेफाक या फिर लक की बात नहीं है। दरअसल टाइगर होते ही इतने ज़्यादा ताकतवर है। टाइगर फूड चेन के टॉप शिकारी जानवर है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जंगलों के लिए। वैसे तो टाइगर अफ्रीका में नहीं रहते, लेकिन फिर भी अफ्रीका की किसी जंगली भैंस और साइबेरियन टाइगर के बीच लड़ाई की जाए तो साइबेरियन टाइगर बड़े आराम से उसे मार गिराएगा। यहाँ तक कि अगर ये जंगली भैंसे इन साइबेरियन टाइगर के इलाकों में होते तो साइबेरियन टाइगर इनके झुंड में से किसी एक भैंसे का भी शिकार कर सकता था। टाइगर दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियाँ हैं और शिकार करने के मामले में यह दुनिया के कई सारे जानवरों से कई गुना आगे है, इसीलिए ये जंगली भैंसे को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। वैसे आपका क्या कहना है और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।